स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है पार्ट टू ऑफ एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। आपके इंग्लिश क्लास 6 में ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, आज हम उसका थर्ड पैराग्राफ समझेंगे। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज नेचुरलाइज US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जिन पेरी हैरिसन। कल्पना आपको पता है करनाल में उसका बॉर्न हुआ था, हरियाणा में आया हुआ है करनाल, और इंडियन थी वो, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप थी। बट US में उसने शादी की फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेरी के साथ, तो उसको जो प्रोसेस होती है शादी के बाद, उसको वहाँ की सिटीजनशिप भी मिली, US सिटीजन। इसीलिए बोला जाता है इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes. वो एस्ट्रोनॉट तो थी, बट एस्ट्रोनॉट के साथ था उसके पास लाइसेंस था मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर, और उसके अलावा सिंगल इंजन जो सी प्लेन्स थे और ग्लाइडर्स थे उसका भी उसके पास लाइसेंस था टू फ्लाई दैट थिंग्स। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। अब जैसे ही वो एज ए क्वालिफाइड हो गए कि पायलट, कि प्रॉपर पायलट हैं, शी कैन फ्लाई वॉट एवर यू कैन गिव, तो जैसे ही क्वालिफाई हो गए उसने सोचा कि मैं अब खुद को और चैलेंज देती हूँ। उसके बाद उसने क्या किया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, उसने अप्लाई किया नासा के जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसमें, कल्पना चावला ने वहाँ पर क्या किया, अप्लाई किया। She was first hired as a research scientist at NASA. सबसे पहले उसको हायर किया गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे नासा के अंदर। In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. और 1994 में उसको सिलेक्ट किया गया नासा के अंदर एज अ एस्ट्रोनॉट, और उसको एस्ट्रोनॉट की जो भी ट्रेनिंग है उसको वहाँ पे दी जा रही थी। Then after then, let's see the fourth paragraph. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. जब भी कोई पूछता था कि as a woman उसको ये field में कैसा लगता है, तो वो reply क्या देती थी, जो हमारी जो कल्पना चावला है वो reply किस तरह देती थी। I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was woman or person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. वो बता रही थी कि मुझे मेरे माइंड में कभी भी ये थॉट नहीं आया, चाहे मैं अपनी स्टडी को परस्यू कर रही हूँ, मतलब कि मेरी जो ड्रीम है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, या कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं वुमन हूँ, कभी नहीं। चाहे मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं छोटे से गांव से आ रही हूँ, या फिर बड़े से सिटी से आ रही हूँ, या कोई भी डिफरेंट कंट्री से आ रही हूँ, ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में कभी भी आए थे नहीं। मेरी भी वो सपने हैं जैसे दूसरे लोगों के सपने होते हैं, और वो मैं सपनों को मैं क्या करती हूँ, फॉलो करती हूँ। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू कैरी ऑन। और जो मेरे आसपास जो भी लोग थे बचपन से लेके अभी तक, वो ऐसे लोग थे, वो बार बार मुझे एंकरेज किया करते थे और बोला करते थे कि अगर आपको कुछ करना है तो करो, नो प्रॉब्लम, वो सपोर्ट देते थे। देन आफ्टर दैट कल्पनास फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। जो कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था, जो स्पेस शटल था जिसका नाम था कोलंबिया, उसका जो टाइम पीरियड था वो इतने टाइम तक उस वहाँ पे रही, 15 days 16 hours and 34 minutes। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, और ये जो 15 डेज का जो टाइम था स्पेस में, उसने अर्थ के कितने चक्कर लगाए, 252, और ट्रैवलिंग 10.45 मिलियंस किलोमीटर। और कल्पना चावला ने
वो जो 252 टाइम अर्थ का चक्कर लगा है, तो इसके टोटल किलोमीटर होता है जो भी ट्रैवल किया यहाँ से वहाँ, जो भी ट्रैवलिंग है वो 10.45 मिलियन किलोमीटर्स था। द क्रू इंक्लूडेड अ जैपनीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उसके साथ में जो स्पेस में जो क्रू था उसमें एक जापनीज भी था और यूक्रेनियन भी एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच एज अ पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। जो क्रू थी 15 दिन वहाँ पे स्पेस में थे, तो वो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें वो ट्राई कर रहे थे, वो प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या स्पेस में होता है। उसके अलावा टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ये सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो हुआ था $56 मिलियन। सोचो कितने ज़्यादा, $56 मिलियन। तो स्पेस में 15 दिन में उन्होंने ये ट्राई किया, हार्ड मेटल का, कंप्यूटर चिप्स का, ट्राइंग टू ग्रो प्लांट्स एंड ऑल द थिंग्स उन्होंने वहाँ पे वो किया। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. और Saturday को रात को न्यूज़ आई कि जो कोलम्बिया स्पेस शटल है वो टूट गया, और वहाँ सब लोगों को शॉक फील हुआ, वो बिलीव ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। The town of Karnal spent a sleepless night as a thousand households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and crew had somehow survived. जो टाउन था करनाल का, जहाँ पे कल्पना चावला का बॉर्न हुआ था, वहाँ के लोग रात भर सोए नहीं थे और वो जो टीवी होती है टेलीविज़न पे जो होता है ब्रॉडकास्ट, वहाँ पे चिपके रहे थे और ऐसे होप कर रहे थे कि वो बच जाए, जो कल्पना चावला है और जो जर्नलिस्ट है समहाउ, वो एस्ट्रोनॉट है उसके साथ जैपनीज और यूक्रेनियन, समहाउ वो सर्वाइव हो जाए। जर्नलिस्ट रॉट, अब उसी टाइम पे जर्नलिस्ट ने न्यूज़पेपर में लिखा था, शी वॉज अ हीरोइन, वो हीरोइन थी, कल्पना चावला के बारे में वो लिख रहे थे कि वो हीरोइन थी। इट्स टेक एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, तो वो जो राइटर है वो लिख रहा है कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हद से ज़्यादा एबिलिटी चाहिए, क्षमता चाहिए। यू नीड टू नो लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक का सारा ज्ञान होना चाहिए, और ये जो सारा नॉलेज था वो कल्पना चावला के पास था। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलिज्म यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और ये जो हमारी जो एज है 21st सेंचुरी में, तो उसमें सारे लोग एक ही कोई भी क्षेत्र होता है उसमें स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड हर अचीवमेंट इज़ ऑन इंस्पायरिंग, और जर्नलिस्ट ने लास्ट में लिखा था कि जो उसकी अचीवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from small town who touched the sky, had become inspirational. और ये जो कल्पना चावला की जो स्टोरी थी, छोटे से गांव से निकल के नासा में एस्ट्रोनॉट के बाद स्पेस शटल में स्पेस में जाना, फ्रॉम स्मॉल टाउन टू टच द स्काई, तो ये जो स्टोरी है पूरे इंडियंस पीपल के लिए इंस्पिरेशन स्टोरी थी। In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia to student of her college in Chandigarh, Kalpana said, Kalpana ने एक मैसेज भेजा था और चंडीगढ़ के अंदर जो कॉलेज है उसके जो स्टूडेंट है उनको बोला था कि the path from dream to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to go onto it. Wishing you great journey. There will surely be many who start off on this journey. Fulfill that dream. उन्होंने मैसेज बोला था, ये जो रास्ता है सक्सेस का वो एग्जिस्ट करता है, और आपको वो विजन मिले, आपको जो करेज मिले कि आप वो जो भी सक्सेस पाना चाहते हो वो आप
पा सकूँ। और श्योरली जिसने भी जर्नी स्टार्ट की है, आई होप यू विल बी एंड अप विद द सक्सेस, और आपकी जो ड्रीम्स है वो पूरी हो। इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। और जो नेक्स्ट क्या हुआ आफ्टर द ब्रोक ऑफ दैट कोलंबिया स्पेस शटल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ